इटावा के मंडी परिसर में 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है और मतगणना को सफलतापूर्वक कराने के लिए जुट गया है, जिसके लिए इटावा जिलाधिकारी श्रुति सिंह और एसएसपी जयप्रकाश सिंह ने मतगणना स्थल का दौरा किया। स्ट्रांग रूम जो अपना है, इसकी सुरक्षा के लिए ऑलरेडी जो है फोर्स लगी हुई है, सीआईएसएफ लगी हुई है और आउटर कार्डन में हमारी जिला पुलिस लगी हुई है। इसके अलावा मतगणना वाले दिन हमको दो कंपनी सीपीएमएफ मिल रही है और एक कंपनी पीएसी लग रही है। इसके अलावा हम जनपदीय पुलिस के लगभग 1000 कर्मचारी इसमें लगा रहे हैं, जो येलो से लेकर के पूरी व्यवस्था देखेंगे। किस तरीके अलाउड होगा लोगों को जाने के लिए, क्या ऐसी सुरक्षा में इसका निगरानी की जाएगी, कितने एजेंट जा रहे हैं, इसके लिए क्या-क्या चीजें आप लोगों ने मैंडेट की है? इसमें देखिए, निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जो पास इशू होगा उसको चेक करके लोगों का फिजिकल चेकिंग की जाएगी, डीएफएमडी लगेगा, एचएचएमडी रहेगी, उससे चेक करके तभी लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। और निर्वाचन आयोग को जो भी निर्देश हैं, जैसे पानी का बोतल नहीं ले जाना है, मोबाइल नहीं ले जाना है, कहाँ तक लोगों को जाना है, इस चीज़ को जो भी निर्वाचन आयोग को निर्देश है उसका अक्षरशः पालन कराया जाएगा। हाँ, हम इस तरह से रूट डाइवर्जन करेंगे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए।